सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्याम। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन कस्टम मीनिया। सो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और सारे भाई फिट होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि टाइटल थंबनेल आपने देखा होगा, आज हम अपनी गाड़ी की जो फॉग लैंप्स है ना, उसकी वायरिंग करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे, अपनी गाड़ी में भी फॉग लैंप्स लगे हैं, अच्छे वाले फॉग लैंप्स हमने लगाए थे इसमें एलईडी के। पर मैंने एक चीज नोटिस करी है यूट्यूब में बहुत बार, बहुत से लोग क्या करते हैं, फॉग लैंप्स अपग्रेड करते हैं, वो भी हैवी वाले, पर वायरिंग रहती है कंपनी की। और काफी बार ऐसा होता है भाई, बहुत से लोग सिर्फ पार्किंग लाइट से कनेक्ट कर देते हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी गाड़ी के लिए स्पेशल वायरिंग बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाई है घर पे, और इसमें कोई मतलब बाहर की जरूरत नहीं है। और भाई एक चीज और, अगर आप इस वीडियो को देख के वायरिंग बनाएंगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ना आपकी गाड़ी में कभी शॉर्ट सर्किट होगा, ना ही कोई आग लगेगी। तो एक बार इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। जो जो प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ, उसके अल्टरनेटिव भी आपको बताते जाऊंगा। देखो, ऐसा होता है कि हर किसी के पास वो चीज अवेलेबल नहीं होंगी, पर उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आपके पास वो चीज अवेलेबल हो जाए और आप जैसे मैंने फिट करा है वैसे ही फिट करेंगे, तो आपकी लाइट्स ना बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। अगर मैं आपको ऑनलाइन प्राइसिंग बताऊं, जो जो चीज हम इसमें यूज करने वाले हैं ना, मतलब आधे रेट में मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन से लोगे तो वही चीज आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कार फॉग लैंप वायरिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। और एक बार इनकी प्राइस चेकआउट करिए, जो मतलब सबसे सस्ती वाली है वो 699 की है, ठीक है। 699 बोलते 700 की मिल रही है आपको। और अगर हम अच्छी वाली, जो दिखने की भी काफी अच्छी लग रही है, अगर हम उसको इंस्टॉल करेंगे, तो आप देख सकते हैं 2200 की है, आई थिंक 2219 रुपीस की है। तो मतलब इतने ज्यादा महंगे रेट्स हैं, और बेवकूफी है भाई अगर आप ऑनलाइन चीजों को मंगाओगे। सीधी बात है, अगर आप देखो चाहते नहीं हो ऐसे वायरिंग वगैरह करना, सीधे आप प्लग एंड प्ले करना चाहते हो, तो आप वहां से मंगा सकते हो। बट इस वीडियो में मैं आपको अपने हाथ से करके दिखाऊंगा। और पहली बात तो ये कि इसमें मैंने कोई भी पार्ट ऑनलाइन नहीं मंगा रखा, सारा सामान जो है मैंने अपने वेयर हाउस से निकाला है। मतलब इतना सारा सामान कलेक्शन हो चुका है ना अपने पास, इतनी सारी चीजें लगाने के बाद वेयर हाउस पूरा भर चुका है, तो बहुत सारी चीजें मेरे को वहां मिल गई थी। एक चीज की मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ी, वो रिले की थी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन सी रिले मैं लगाने वाला हूँ, आपको कौन सी लगानी है। फ्यूज का भी बहुत बड़ा डाउट रहता है, कौन सा फ्यूज लगाएं, 10 नंबर का, 15 नंबर का। यहाँ पे इस वीडियो में आपकी सारी चीजें सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। आप मतलब इस वीडियो को देखोगे ना, देखते ही बता दोगे कि इस गाड़ी में इतने नंबर का फ्यूज चाहिए होगा। मतलब जो भी आप एक्सेसरी लगाओगे उसको आप देखते ही बता दोगे कि इसमें इतने नंबर का फ्यूज लगेगा। ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ पार्ट्स दिखाऊंगा, शायद से अगर आपने वो स्किप कर दी, वीडियो आपको समझ में ना आए, तो इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी चीज इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो एक चीज और, इस वीडियो में मतलब जो भी काम होने वाला है, अगर आपकी नई गाड़ी है, आप आराम से कर सकते हो, कोई वायरिंग कटिंग नहीं है, कुछ वायर नहीं कटेगी, मतलब बिल्कुल स्टॉक वायरिंग कह सकते हो। कपलर टू कपलर कनेक्शन हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि आपकी वारंटी अवॉइड हो जाएगी। जैसा मैं करूंगा वैसे करेंगे ना, तो कोई भी आपकी वारंटी अवॉइड नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको कुछ पार्ट्स दिखाता हूँ। तो भाई सारे पार्ट जो मैंने आपको पहले बता रखा, सारे मेरे वेयर हाउस के ही हैं। तो इस बॉक्स के अंदर जो जो चीजें हैं ना, सारी चीज हम यूज करने वाले हैं। अब एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हम यूज करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले इसमें जो मेन काम होने वाला है वो रिले का काम है, तो मैं आपको रिले दिखाता हूँ सबसे पहले। तो भाई आप देख सकते हैं ये रिले है, और ये रिले रूट्स की है, ओरिजिनल रूट्स की रिले है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा है कि आप मार्केट में जाओगे आपको लोकल भी मिलेंगी, सस्ती वाली मिलेंगी, तो मैंने कहा यार देखो जब एक बार कर रहे हैं काम तो अच्छे से ही करते हैं। तो जैसे कि आप इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 12 वोल्ट 30A की है। तो अभी दोस्तों ये दिखने में थोड़ी सी अलग लग रही है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा ना, 4-pin रिले एक ऐसे और एक ऐसे नीचे ऊपर नीचे होती है, दैट्स इट। पर इसमें थोड़ा सा अलग सा स्ट्रक्चर है, बट भाई बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ नंबर का ध्यान रखना है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में नंबर भी बताऊंगा कैसे किसमें क्या कनेक्ट करना है, सब बताऊंगा, ठीक है। तो एक तो ये रिले लेनी है आपको, अगर आपके पास ये रिले है तो बेस्ट है, अगर ये रिले नहीं है तो आप कोई और भी ले सकते हो, मार्केट में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाय लिंक जो होगा वो दे दूंगा आपको, आप वहां से एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसको रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे मैंने इसका एक गाइस कनेक्टर भी ले रखा है। अब देखो अगर आप कनेक्टर नहीं लेना चाहते हो तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो इसके लिए गाइस मैंने एक कनेक्टर भी ले रखा है, जो हमारी रिले के नीचे लग जाएगा आराम से, तो मतलब समझ लेना बिल्कुल प्लग एंड प्ले होगा, ओरिजिनल जैसे रिले आती है वैसी ही फिटिंग होगी, आराम से फिट हो चुकी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये तो अपनी रिले की बात होगी, अब इसे रखते हैं अभी साइड में। पहले एक चीज और आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आपके पास ये कनेक्टर नहीं है, आप इसका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो भाई देखो आपको यहाँ पे ना हॉर्न क्लिप्स की जरूरत पड़ेगी। तो हॉर्न क्लिप्स आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगी, बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएंगी, ठीक है। देख सकते हैं ये हॉर्न क्लिप्स हैं, तो इन हॉर्न क्लिप्स के थ्रू भी आप इसको ऐसे आगे अटैच कर सकते हैं आराम से यहाँ पे, तो ये लग जाएगा। तो मतलब ये समझ लेना, अगर आपके पास ये होल्डर नहीं है तो आप हॉर्न क्लिप्स भी ले सकते हैं। अब मैं अगर रिले और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, तो भाई ये मेरे को अप्रॉक्स 150 के आसपास मिल गई थी दोनों चीज़ें। अब शायद से क्योंकि ये कॉस्टली ज़रूर थी, रिले थी रूट्स की, तो थोड़ी एक्सपेंसिव थी, बट स्टिल काफ़ी अच्छा काम करती है, इसलिए ये ले ली थी हमने। अभी इसे रखते हैं साइड में, अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है।
उसके बाद हमें इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ेगी वो है फ्यूज। फ्यूज यहाँ पे मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि फ्यूज आपकी गाड़ी की ना मतलब बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, गाड़ी में कहीं भी शॉर्ट होता है, तो कोई भी ना आपकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डैमेज आएगा, ना आपकी बैटरी में इशू आएगा, सारा लोड जो है ये फ्यूज ले लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये फ्यूज है। और वैसे मैंने गाइस इसको यहाँ पे सोल्ड करवा लिया, अगर आपके घर में ये सोल्डिंग वाला सिस्टम है तब तो ठीक है। ठीक है, मैं आपको इसके तीन सॉल्यूशन बताऊंगा, आप इन तीन सॉल्यूशन से कर सकते हो। सबसे पहले सोल्डिंग होता है, उसके बाद जो दूसरा सॉल्यूशन है इसका ये है कि आप ऐसे इसके होल्डर ले लो, मार्केट में आराम से मिल जाएंगे आपको, ये मेरे पास घर में रखे हुए थे, आप होल्डर ले सकते हो, इसके अंदर आप डाल के फिट कर सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास रहता है। बाकी अगर आपके पास ये भी नहीं है तो यहाँ पे भी हमारी एक चीज बहुत हेल्प करेगी, वो है हॉर्न क्लिप्स। हॉर्न क्लिप्स यहाँ पे फिर से हेल्प करने वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पे स्पेस रहती है खाली की। इस वाले में मैंने हॉर्न क्लिप्स ऑलरेडी फिट कर रखी है, आपको इसमें वायर अटैच करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है अच्छे से टेप लगा देना है, तो आपकी जो फ्यूज है वो भी अच्छे से वर्क करने लग जाएंगे। अब यहाँ पे गाइस मैं तीन फ्यूज यूज करने वाला हूँ, तीन इसलिए करूंगा अभी आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पे हम यूज करें। बेसिकली इस वायरिंग सिस्टम में तो मैं तीन फ्यूज यूज करूंगा। हमें यहाँ पे कुछ वायर्स की जरूरत पड़ेगी जिसके आगे से राउंड करके सर्कल जैसा लगा हो, क्योंकि हम इसको बॉडी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे तीन ऐसे सर्कलों की जरूरत थी और मुझे मेरे तीन वेयर हाउस में मिल गए थे, तो हम इसको यूज करेंगे। इसको भी रखते हैं अभी साइड में। उसके बाद भाई यहाँ पे आपको टेप की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने जो दो टेप्स हैं वो ले लिए, क्योंकि जितना ज्यादा टेप आप अच्छे से लगाएंगे आपके चांसेस उतने कम हो जाएंगे कोई भी डैमेज होने के। ठीक है, टेप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे फिर हम यूज करने वाले वायर को, तो वायर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि आपको पता है भाई वायर ना आपको थोड़ी मोटी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो, तो भाई ये जो है ना सही है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो मतलब हमारी जो फॉग लैंप है ना उसको आराम से चला सकती है ये, तो हम इसको फ्यूज के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी जो इससे भी मोटी वायर आती है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, एक तो ये नॉर्मल वाली है, ये आपको कहीं भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी, कहीं भी इलेक्ट्रिकल शॉप में मिल जाएगी, आप इसको ढूंढ सकते हो और लगा सकते हैं। इसके बाद जो थोड़ी मोटी वाली है वो ये वाली है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल जो है ना एक रिले से ही निकाली है मैंने, और हेडलाइट की रिले से निकाल रखी है, तो जैसे कि देख सकते हैं काफी ज्यादा मतलब स्ट्रांग मोटी लग रही है ये, और अच्छा खासा लोड बेयर कर लेगी। लोड इसमें आप आराम से डालेंगे ना कोई इशू नहीं आएगा, एकदम शॉर्ट वॉट कुछ नहीं होने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसी हमने वायर ले ली है, इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद भाई यहाँ पे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी जिप टाइज की। जिप टाइज मैं इसलिए लगाने वाला हूँ क्योंकि हम इसका पूरा काम जो है ना ऐसे फिट करेंगे जैसे कंपनी से लग के आता है, तो जिप टाई की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो जिप टाई आप ले लीजिएगा। मैंने बड़ी भी ले रखी है और छोटी भी मेरे पास काफी सारी पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देखते हैं छोटी वाली ब्लैक में भी पड़ी है मेरे पास, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, जहां जहां पे जिसकी जरूरत रहेगी वैसे ही यूज करेंगे। तो और फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे गाइज जो इसके कनेक्टर्स आते हैं, उसके बाद गाइज हम यहाँ पे हीट श्रिंक भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे हीट श्रिंक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, वायर कटर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, एक कटर भी मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, बस इतना ही रहता है। अब हम एक चीज और इसमें यूज करेंगे जो बहुत ज्यादा अच्छी है और गाड़ी की जो वायरिंग लुक है ना बहुत ही एनहेंस कर देगी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो है वायरिंग हॉस भी यूज करने वाले हैं, कवरिंग कह सकते हो आप, जो भी कहना चाहो कह सकते हो, एक तरीके से वायर को पूरा कवर कर लेगी, तो मतलब आगे से ना वायर दिखेगी नहीं। ये मेरे को वेयर हाउस में मिल गए थे तो इसलिए हम इसको यूज करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है नो इश्यूज, आराम से आप एक काम करो, आप टेप लगा लो अच्छे से, तब भी सेम ही वर्क होगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। फ्यूज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सारी चीजें बताई दी आपको। ठीक है, तो ये सब ऐसा कुछ रहने वाला है। अब हम रिले की वायरिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो रिले कैसे आप फिट कर सकते हैं, कैसी उसकी वायरिंग है, सब मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे रिले की बात कर लेते हैं। आपकी जो मेन बैटरी की वायर आएगी वो कहाँ पे अटैच होगी, तो देखो यार यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 करके लिखा हुआ है नंबर। ठीक है, 30 नंबर पे आपकी बैटरी वाले अटैच होगी, यानी कि सबसे ऊपर वाले पे। ठीक है, सबसे ऊपर पे होगी। उसके बाद जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होंगे वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। मैटर नहीं करता है, इस साइड आप लगा सकते हो नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, जैसा होगा आप लगा सकते हो, बस यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की सप्लाई जानी चाहिए। और अब जो वायर बाहर आएगी हमारी फॉग लैंप्स के लिए वो जाएगी इस वाले पे 87 से। ठीक है, तो इतना आप समझ चुके हैं। रफली फिर से आपको बताया था 30 नंबर पे हमारी मेन वायर जाएगी, जो हमारी बैटरी से लगते हुए जाएगी ना वो इसमें जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे जाएंगे 85 और 86 में, दो में जाएंगी। और 87 से आपकी वायर बाहर आनी चाहिए, क्योंकि जिससे हम फॉग लैंप कनेक्ट करेंगे ना वो ये बीच वाला पार्ट है, तो 87 से वायर बाहर आनी चाहिए, बस इतना ही है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसमें सोचोगे ना तो और कन्फ्यूजन होगा, बस इतना ही आप याद रखो। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिले की वायरिंग तो समझा दी है। अब मैं बताता हूँ मैं इसको फिट कैसे करने वाला हूँ, मतलब कैसे करूँगा, बटन स्विच लगाऊँ, क्या करूँ। तो देखो, जैसे कि आपको पता होगा मैंने आपको ऑलरेडी एक कनेक्शन करके दिखाया था बहुत टाइम पहले अपने इग्निशन कॉइल के साथ, सेम मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ। इग्निशन कॉइल का यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैंने उसका एक बटन ऑलरेडी फिट कर रखा है नीचे पे। ठीक है, ये जो बटन है ना वो इग्निशन कॉइल वाले का ही है, तो जैसे मैं ऑन करूँगा फॉग लैंप्स अपने जलने लग जाएंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बताया था इग्निशन कॉइल कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, आई बटन पे एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको खोल के दिखाया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ना वैसी वीडियो बहुत लंबी है और लंबी बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी रिले की वायरिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ऊपर वाली वायर है ये हमारी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आने वाली है,
तो इसका कनेक्शन कर लेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले एक फ्यूज़ भी इंस्टॉल करेंगे ताकि अगर कुछ भी अगर इशू आएगा तो फ्यूज़ बर्न आउट हो जाएगा या ब्लो ऑफ हो जाएगा, हमारी मेन वायरिंग को कोई भी इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फ्यूज़ अटैच करता हूँ और उसके बाद इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे ताकि बैटरी तक वायर पहुँच जाए आराम से। तो चलिए एक बार मैं इसमें फ्यूज़ लगा लेता हूँ जो रेड वाली वायर है उसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसका जो है पॉजिटिव कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे फ्यूज़ लगा दिया आगे से। और इस बार मैंने ऐसे वाला फ्यूज़ इसलिए इंस्टॉल करा ताकि आपको मैं दिखा सकूँ आप ऐसे वाला फ्यूज़ भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। अब जो है हम इसका नेगेटिव कनेक्शन देंगे। अब इसकी लोकेशन देखते हैं हम कहाँ पे लगाने वाले हैं, उसके बाद नट की स्पेस देखेंगे, तभी हम इसके अंदर जो वायर है उसे जोड़ेंगे कितनी हमें जोड़ने की ज़रूरत है। दोस्तों उसके बाद हमारा कनेक्शन बसता है जिसमें हमारी स्विच वाली लाइन आएगी। स्विच वाली लाइन बोलते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था ना इग्निशन के साथ करने वाला हूँ। तो अभी देख सकते हो इग्निशन की वायर जा रही है हमारी यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एक फ्यूज़ लगा लेंगे और फिर इसको जो ब्लू वाली है ना उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। और ज़्यादा इसकी मतलब हमें तार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी लेंथ यहाँ यहाँ तक आ जा रही है आराम से। तो इसमें कोई भी तार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है अपने को, बस इसमें आगे से फ्यूज़ लगाना है और बस हमारा काम हो जाएगा। अभी हमने दोस्तों एक हॉज भी ऐड कर लिया, मतलब इसका जो कवरिंग है वो भी ऐड कर लिए। उसके बाद हम यहाँ दोनों पे फ्यूज़ लगा लेंगे क्योंकि हम अब जितने भी है ना तीन फ्यूज़ लगेंगे टोटल यहाँ पे, और तीनों का यहाँ पे काम आने वाला है फ्यूज़ का ही मेन। तो ये तो अपनी जो है ना फॉग लैंप को लाइट जाएगी, तो यहाँ पे फ्यूज़ तो डेफिनेटली चाहिए चाहिए। ऊपर यहाँ पे फ्यूज़ इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी जो स्विच से वायरिंग आ रही है उसमें कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं। बट स्टिल मैं पूरी सेफ्टी के लिए लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो टोटल तीन फ्यूज़ अपने हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार पूरे यहाँ पे फ्यूज़ लगा लेता हूँ। और इस बार जो है हम फ्यूज़ थोड़े अलग टाइप से लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने देखा हमने टेप लगा के रखा है, बट ये टेप वाला काम नहीं करेंगे यहाँ पे, इन हॉर्न क्लिप्स की हेल्प से लगाएंगे। तो आप एक बार देख लेना कैसे लगाना है, फिर आप भी इसे फिट कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको जो है अच्छे से कनेक्ट कर लिया और सारे कनेक्शन इसके नीचे हो चुके हैं। अभी थोड़े से मैसी लग रहे हैं, बट हम इसके ऊपर ना पूरा टेप लगा लेंगे तो पता नहीं चलेगा। और अच्छे से वैसे हमने यहाँ पे पूरे कनेक्ट कर लिए तो कोई भी शॉर्ट सर्किट का चांस नहीं है इसमें। अब हमारी जो मेन वायरिंग आती है वो करने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले हमने जो इग्निशन वाली वायर है ना इसको कवर करेंगे अच्छे से, जो हम जो एक्स्ट्रा इंसुलेशन था इससे हम इस वायर को पूरा कवर कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा कवर कर लेता हूँ, फिर अटैच करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसकी जो यहाँ पे वायर है उसे जिप टाई से टाइट कर लिया अच्छे से, और वो चलेगी यहाँ पे, ठीक है। सारी वायरें यहाँ पे आ चुकी हैं और अभी जो है नेगेटिव कनेक्शन हमने यहाँ पे इसका दे दिया है, मतलब ये जो बोल्ट्स है ना इसके साथ कनेक्ट कर दिया है इसे। अब हमारा जो काम बचता है वो बचता है बैटरी को इसकी सप्लाई देने का। तो अभी हम बैटरी से इसको कनेक्शन करेंगे, एक इंसुलेशन लेंगे उसके अंदर वायर डालेंगे और आराम से करेंगे ताकि वायर ज़्यादा दिखेगी नहीं, और ये जो दिख रहा है ना आपको सब अभी थोड़ी देर में गायब हो जाएगा क्योंकि हम इसको अच्छे से टेप कर देंगे, इसके ऊपर भी कवर लगा लेंगे। बस एक रिले जो है ये बाहर की तरफ रह जाएगी और कुछ फ्यूज़ बाहर रहेंगे, बस खत्म। बाकी जो भी वायर्स दिख रही है ना सारी वायर यहाँ से हट जाएंगी। तो अब ऐसा करते हैं इसके अंदर एक इंसुलेशन लगाते हैं और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट काम बचता है वो हमारे मेन हमारे जो फॉग लैंप्स है उसको सप्लाई देने का काम रहेगा।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पॉजिटिव वायर भी निकाल ली इसे कनेक्ट करके, बस अभी इनको हम ऐसे चारों को अच्छे से चिपका लेंगे, मतलब टेप लगा लेंगे, तो बिल्कुल भी वायर नहीं दिखेंगी। इसको अभी हम कनेक्ट इसलिए नहीं करेंगे गाइस क्योंकि जो नए फॉग लैंप्स हैं वो बस कल या परसों में आ जाएंगे, अभी जो अपने लगे हैं पुराने वाली फॉग लैंप्स लगे और इनकी वायरिंग ऑलरेडी हो रखी है, तो इसमें करके कोई फायदा भी नहीं है, खाली वेस्ट ही होगा। हाँ, पर मैं जो वायर है अच्छे से बिछा दूंगा ताकि फॉग लैंप्स आएंगे सीधे लगाने लगाने का काम रहेगा हमारा, बस खत्म। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, इसके लिए हम सिर्फ एक ही वायर यहाँ ले जाएंगे और एक ही वायर नीचे ले जाएंगे उसके ऊपर से, बाकी जो नेगेटिव कनेक्शन है उसका वो हम अंदर किसी भी नट से टच कर देंगे तो नेगेटिव सप्लाई जो है करंट की उसको मिल जाएगी फॉग लैंप को। तो बस ऊपर से हमारी एक ही वायर जाएगी, मेन पावर वाली लाइन, वो यहाँ के लिए फॉग लैंप्स के लिए जाएगी और एक उधर के लिए जाएगी, समझ रहे ना। तो बस इतना ही काम होने वाला है और दोनों सेपरेट वायर रखेंगे, यहीं से उनका कनेक्शन होगा। एक ही वायर को कर देंगे तो उसमें होगा क्या कि लोड बहुत आ जाएगा, तो इसलिए हम अलग अलग वायर ही डालेंगे यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे हम सिंगल में से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों एक काम करते हैं कि अपना जो पूरा बम्पर निकाल लेते हैं और इन बल्ब को अच्छे से रिमूव कर लेते हैं, इनकी जो वायरिंग वगैरह है ना सब हटा लेंगे क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा मैसी वायरिंग हो जाएगी अगर हम सब एक साथ कर देंगे, तो इनकी जो वायरिंग है उसे बिल्कुल हटा लेते हैं और पूरा बम्पर एक बार खोल लेते हैं। बम्पर खोलना बहुत ज़्यादा सिंपल काम है, सबसे पहले आपको एक यहाँ पे नट खोलना होता है, यहाँ पे नट होता है, उसके बाद ये क्लिप्स आप हटा लेंगे और उसके बाद एक नट यहाँ पे होता है और एक नट वहाँ पे है, ठीक है, और बाकी सेम उस साइड से भी ऐसी है, क्लिप्स हमें निकालनी पड़ेंगी यहाँ से, और एक क्लिप्स निकालने के बाद एक नट यहाँ पे रहता है, तो एक बार पूरा बम्पर निकाल लेते हैं और फिर वायरिंग करने में थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसकी वायरिंग पूरी कंप्लीट कर ली है, यहाँ से वायरिंग गई है और इसके बाद इसका जो मेन जो मैंने आपसे कहा था ना बहुत सारी वायर बाहर आ रही है सब सही हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मतलब ज़्यादा वायर्स बाहर नहीं रखी है, सिर्फ देखो यार ये तो इसके फ्यूज़ हैं बाहर आना ज़रूरी है, कभी भी कुछ फ्यूज़ उड़ेगा तो हमें यहाँ से दिख जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ना कोई भी फ्यूज़ खराब होगा तो हमें पता चल जाएगा, हम इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसका एक नेगेटिव कनेक्शन यहाँ आ गया, अभी यहाँ पर जो है एक रिले लग जाएगी, जो हमारी रिले थी ना वो यहाँ पर हम फिट कर लेंगे उसे, जैसे कि आप देख सकते हैं रिले हमने यहाँ पे फिट कर लिया ऊपर पे और अब इसे नीचे रख लेंगे यहाँ पे, ठीक, बस इतना ही हमारा काम था। अब हमने यहाँ से क्या करा था, वायर डाली थी आगे को, तो आप देख सकते हैं ये जो वायर है ना ये आगे आ चुकी है, इस साइड के लिए हमने रखी है स्पेशली और इस साइड के फॉग लैंप हम कनेक्ट करेंगे, इसमें जो है हमने कवरिंग लगा ली थी और अभी आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी ज़्यादा वायर काटी है, मतलब ज़्यादा वायर छोड़ी है, काटी इसलिए नहीं है जल्दी क्योंकि पता है फॉग लैंप को कितनी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी वायर की, इसलिए हमने वायर थोड़ी सी छोड़ दी है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम उस वाले फॉग लैंप पे तो फिट नहीं करने वाले हैं, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ना अच्छे से टाई कर लेंगे, कल मेरे ख्याल से फॉग लैंप आ जाएंगे और अभी जो है 2 दिन की छुट्टी है तो गाड़ी कहीं जाने वाली है नहीं, इसको ऐसी हम यहाँ पे मतलब अच्छे से ना फिक्स कर लेंगे ताकि वायर हिले ना, ठीक है। तो ये अपना काम हुआ, अब दूसरी वायर जो गई यहाँ से हमने अंदर से डाली, हम चाहते तो गाइज यहाँ इसके नीचे से भी डाल सकते थे पर यहाँ पे मतलब ना ये दो तीन चीज़ें थी जो मेरे को सही नहीं लग रही थी, इसमें टकरा रही थी वायर, तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं अंदर से ही डालते हैं। यहाँ से हमने वायर डाली इसके अंदर से, जिप टाई लगाई, अभी जिप टाई को भी काट लेंगे हम, जिप टाई भी हमने यहाँ से निकाल लिया, जिप टाई के थ्रू हमने यहाँ पे इसे लगा लिया अच्छे से और उसके बाद जो ये वायर कवर है यहाँ से होते हुए वहाँ निकाल दिया हमने, वहाँ पे फिर से हमने जिप टाई लगा रखी है और फिर वायर को नीचे से डाल के ऊपर निकाल रखा है। अभी गाइस वहाँ पे मैंने भी सेम जैसे यहाँ पे छोड़ा है ना वैसे वहाँ पे छोड़ा है, अभी उसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि जब फॉग लैंप आएंगे तो डायरेक्ट लगाना ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारी वायरिंग कंप्लीट तो हो गई है पर एक चीज़ बचती है, वो है नेगेटिव कनेक्शन। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम इस वाले कपलर के साथ कनेक्ट करेंगे, इस वाले सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे, पर इश्यू ये आ रहा है कि जो फॉग लैंप मैंने ऑर्डर कर रखे हैं उसको जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें ये वाले नहीं लगते, इससे थोड़ा सा डिफरेंट साइज़ लगता है, तो अभी इसको लगा के कोई फायदा है नहीं, अगर हम इसको लगा लेंगे फिर निकालना पड़ेगा ऐसा, तो उसी को लगाएंगे, इसलिए उनको मैं जो है कल मार्केट से खरीद लूँगा, तो फिलहाल इसको ऐसे ही रहन देंगे, इसको नहीं लगाते हैं। नेगेटिव कनेक्शन बहुत सिंपल था गाइस, पॉजिटिव वाला तो हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला हम या तो इस बोल्ट से कर देंगे किसी बोल्ट से भी कर देंगे गाड़ी के, पूरा काम हमारा हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको टेस्ट नहीं करके दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी हम फॉग लैंप तो जला नहीं पा रहे हैं, बट स्टिल पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ हमने एक चीज़ और छोड़ रखी, जो हमारी ये वाली वायर है ये हमारी बैटरी से कनेक्ट होगी, ये भी अभी नहीं लगा रखी हमने,
क्योंकि फॉग लैंप तो फिट है नहीं, तो इसको लगाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अभी इस वायर को छोड़ रखा है। बाकी हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है गाड़ी में, अब बस फॉग लैंप का इंतजार है, जैसे वो आएंगे तो उनको सीधे फिट करना ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आप फ्यूज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी एक्सेसरी के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं फॉग लैंप्स के बारे में, तो अपने जो फॉग लैंप्स हैं वो 65 वॉट्स के हैं, दो फॉग लैंप्स हैं, तो दो का अगर हम प्लस कर लेते हैं, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे हम 130 को कर देंगे, तो हम अगर 130 को डिवाइड कर देंगे 12 से, यहाँ पे आप देखते हैं 10.8 करके ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो है ना 10 वॉट के फ्यूज से भी काम चल सकता है। बट हमने यहाँ पे 15 वॉट का लगा लिया, अगर आप 10 वॉट का लगाओगे कोई इशू नहीं है, 10 वॉट का भी आराम से चलेगा। ट्रिक थी, इसके जरिए आप कोई भी एक्सेसरी को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आराम से, मतलब ना आप पता कर सकते हैं, और ये सेफली भी रहेगा, कोई नुकसान नहीं है इसमें आपकी जो है ना, मतलब जो भी आप इंस्टॉल करेंगे आपको पता रहेगा आपने किस बेसिस पे करा है, तो इसलिए ये चीज़ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। फाइनली हमने जो है अभी अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया, वायरिंग अच्छे से हमारी जो है बिछ चुकी है, और अब हमें सिर्फ अपने जो फॉग लैंप्स हैं उसको लाना है, और एक कपलर लाना है, मतलब ना जो एक सॉकेट होता है अपना H11 या H8 करके आता है सॉकेट, वो सॉकेट हमें लेना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे पास है नहीं, और अगर वो सॉकेट नहीं होगा तब तक हमारे जो बल्ब हैं, मतलब जो अपने फॉग लैंप्स हैं, वो नहीं लगेंगे, तो इसलिए कल उनके जो है एक बार सॉकेट लेके आएंगे और अपने जो फॉग लैंप्स हैं उनको आएंगे तो फिट कर लेंगे। बाकी हमारा सारा काम हो चुका है, वायरिंग हमने सब कर लिया, अपना स्विच वाला सिस्टम भी कर लिया, रिले फिट कर लिया, ऑलमोस्ट हर चीज़ पूरी हो चुकी है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, रखते हैं मिलते हैं इसी अगली मजेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग कस्टम मीनिया शाइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और गाइज अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।